वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। द्वारका जिले के द्वारका साउथ थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से दो चोरी की बाइक बरामद की है। उसकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के दो मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपी की पहचान सोनू कुमार निवासी बिंदापुर के रूप में हुई है। द्वारका जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि जब थाना द्वारका पुलिस गश्त कर रही थी तो पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति पावर हाउस सेक्टर 2 आने वाला है और उसके पास चोरी की मोटरसाइकिल है। पुलिस ने सूचना के आधार पर पावर हाउस सेक्टर 2 द्वारका की तरफ जाल बिछा दिया। जब पुलिस ने एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर आते देखा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही वह फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे पीछा करके पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान सोनू कुमार निवासी बिंदापुर के रूप में हुई। जांच करने पर बरामद मोटरसाइकिल उत्तम नगर थाना क्षेत्र से चोरी की पाई गई। पूछताछ के दौरान उससे एक और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से आने वाला है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जाल बिछा दिया। जब बदमाश वहां आया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसका पीछा करके पकड़ लिया। पुलिस को उसके कब्जे से चोरी की 2 बाइक भी बरामद हुई। अब वह बदमाश पहुंच गया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।